हेलो माय लवली स्टूडेंट कैसे हैं आप सब माय सर डॉक्टर रूपाली वर्मा योर ऑल जी टीचर और बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चंस बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ़ योर चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस आई होप्स हमने ये चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिया होगा और आज हम इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी करने वाले हैं और आपको पता ही होगा कि लास्ट ईयर इवन लास्ट टू लास्ट ईयर मतलब ट्वेंटी टू वाले पेपर में ट्वेंटी वन में इवन इन द ट्वेंटी इस चैप्टर से चाहे बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल वाला चैप्टर हो चाहे एप्लीकेशन वाला चैप्टर हो बेटा यहां से भर भर कर क्वेश्चन आते हैं तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम सो और एक काम करना आप लोग जरा जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूं बेटा ये आप लोग खुद भी करने की कोशिश करो और खुद देखो कि आपका स्कोर कितना बनता है और फिर कमेंट करके जरूर बताना कि कितना स्कोर हुआ है सबका ठीक है तो चलो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेप्स इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन दैट इज पी सी आर ऑप्शन देखने से पहले ही आपको पता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जब हम करते हैं तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है डी नेचुरेशन मीन्स हम बहुत हाई टेम्परेचर मीन्स अराउंड 92 टू टू नाइन्टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देते हैं और जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए एन ए उनको अलग कर दिया जाता है दैट इज डी नेचुरेशन फिर हम वहां पर क्या लगाते हैं बेटा प्राइमर लगाते हैं जो आपकी न्यू चेन बनाने में हेल्प करेगा जिसे हम क्या कहते हैं अनिलिंग अनिलिंग हो चुकी है अब उस प्र... अब हम उसमें क्या करेंगे बहुत सारे ओलिगोन्यूक्लोटाइड्स डालेंगे डीएनए पॉलीमरेज डालेंगे ये सब डालेंगे और उनको यूज करके डीएनए पॉलीमरेज फिर एक लंबी चेन बना देगा मतलब उस चेन को प्राइमर वाली चेन को एक्सटेंड कर देगा दैट इज नोन एज एक्सटेंशन सो फर्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन ंग उसके बाद आएगा बेटा एक्सटेंशन तो ऑप्शन आप खुद से देखो डीनेचुरेशन अनिलिंग एक्सटेंशन सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट एंसर नाउ नेक्स्ट वन इज डीएनए स्टैंड ऑन अ जेल स्टेन विद इथीडियम ब्रोमाइड वेन व्यूड अंडर यू वी रेडिएशन अपियर एज बेटा ये किस प्रोसेस की बात करें दे आर टॉकिंग ऑफ जेल इलेक्ट्रो फॉरेसिस उसके अंदर जब आपको अपने जो डीएनए एन ए है उनको देखने के लिए क्या करना पड़ता है इथिडियम ब्रोमाइड से सेन करना पड़ता है देन वी सी अंडर द यूवी रेडिएशन और आपको कैसे दिखाई देते हैं ब्राइट ऑरेंज कलर के सो ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड आर सीन ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट एंसर नेक्स्ट ड्यूरिंग द्योरिफिकेशन प्रोसेस फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ द चिल्ड इथानोल एडिशन ऑफ चिल्ड इथानोल प्रेसिपिटेट आउट याद है आपको हमने बहुत सारे एंजाइम डाले उसके बाद जो हमारा डीएनए अलग हो गया है उसको हमने प्रेसिपिटेट आउट करना है उसको बिल्कुल एक अच्छे से अलग से अलग कर देना है उसको ठीक है तो उसके लिए हम उसमें क्या डालते हैं बेटा चिल्ड इथानोल डालते हैं ठीक है किसको प्रेसिपिटेट आउट करने के लिए डीएनए किसको बेटा डीएनए सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर क्स्ट प्लाजमिट पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू हेज अ पी एस्टर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट उसके पास ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट थी अगर थोड़ा सा आपको याद आ रहा हो एम्पीसिलीन वाली ठीक है एंजाइम साइट विदिन द जीन एम्पीसिलीन रेजिस्टेंस दैट कॉन्फर्स एम्पीसीन रेजिस्टेंस इफ उसको हम यूज कर दे और वहां पर अपना, अपना इंसर्ट डाल दे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दे उस जगह पर तो बेटा क्या होने वाला है तो क्या होगा वो प्लाज्मिड जिससे उस जो प्लाज्मिड जो एम्पीसीन uh, के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती थी अब वो नहीं कर पाएगी क्योंकि मान लो ये एमपी वाला वो था आपका जीन इसके अंदर तो आपने अभी फिलहाल ये एमपीसीन से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी बट आपने इसको डिस्टर्ब कर दिया यहां पे आपने इसका जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया तो भाई अब तो ये जीन पहले जैसा रहा नहीं तो पहले वाला काम भी क्यों ही करेगा नहीं कर पाएगा ठीक है इतनी बात आ रही है समझ ठीक है जी चलो फिर इन्होंने हमसे पूछा गया क्वेश्चन पढ़ ले आ इज यूज फॉर इंसर्टिंग अ जेन फॉर बीटा ग्लेक्टोसाइड इज प्रोडक्शन एंड द रिकोम्बिनेंट प्लाज्मिट इज इंसर्टेड इन अ इकोलाइज ट्रेन ठीक है अब ये जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिट थी हमारी बनी इसको ईकोलाई e के अंदर डाल दिया सिंपल सी बात है भाई अब इकोलाई e के पास एम्पीसीन से रेजिस्टेंस की पावर ये प्लाज्मिट नहीं दे पाएगा सो so, इट विल बी एबल टू resistant इट विल नॉट बी एबल टू ठीक है. अब ये प्लाजमेड इकोलाई दैट इज द होस्ट सेल उसको एम्पीसिलिन के खिलाफ रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट स्पेसिफिक Recognition sequence identified by the endonuclease to make specific positions within the DNA. ठीक डी एन एंडोन्यूक्लियस जो है आपकी पूरी डी एन ए फ्रेगमेंट है उसको इंस्पेक्ट करता है फिर वहां पर वो क्या ढूंढता है एक साइट ढूंढता है पेलिंड्रोमिक सीक्वेंस ढूंढता है जिसे हम क्या कह देते हैं बेटा रिकोगशन साइट और वो वहाँ ही जाकर क्या करता है कट करता है ठीक है सो उस सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को हम कहते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ठीक है सो आंसर so, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द जीन एम्प्लीफिकेशन मतलब जो हमारी जीन एम्प्लीफिकेशन वाली प्रोसेस क्या थी बेटा पीसीआर वाली ठीक है यूजिंग पीसीआर वेरी हाई टेम्परेचर इज इफ अगर अगर मान ये कहना चाहते हैं, में ही अगर हम high temperature maintain ना करें, तो इसमें से कौन सा पीसीआर का ऐसा स्टेप uh, है जो इफेक्ट होगा अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था फर्स्ट स्टेप दीनेचुरेशन उसी के अंदर आपको क्या देनी है हाई टेम्परेचर देना है तभी वो डीनेचुरेट हो पाएगा सो द स्टेप डी नेचुरेशन बी इफेक्टेड कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक डीएनए इन अ वेक्टर देखो आपने क्या बना दी है रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है प्लाज्मिट बनाया है आप चाहते हो कि इस आर डी के प्लाज्मिट के बहुत सारी कॉपीज बने क्लोनिंग हो तो किसकी क्लोनिंग सबसे ज्यादा होगी जिसका कॉपी नंबर ज्यादा होगा कॉपी मतलब कॉपीज बनाना ठीक है अब ये कॉपी नंबर को डिसाइड कौन करता है ओआरआई कौन डिसाइड करता है बेटा ओआरआई दैट इज ओरिज़न ऑफ रेप्लिकेशन ठीक है सो द सीक्वेंस दैट कंट्रोल द कॉपी नंबर ऑफ द लिंक्ड डीएनए इन द वेक्टर इज टर्मड एज द ओआरआई साइट दैट इज ऑप्शन ए नेक्स्ट स्पेसिफिक पेलिड्रोमिक सीक्वेंस विच इज रिकॉग्नाइज बाय द इकोर आई वन इकोर आई कौन सी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है? ये हमें वैसे भी पता है कौन सी होती है बेटा जी ए ए कौन सी होती थी जी ए ए टी टी सी और उसको आप उल्टा पढ़ोगे palindromic वही होता है ना जिसको आप राइट टू लेफ्ट लेफ्ट टू राइट पढ़ोगे सेम ही पढ़ी जाएगी इकोलाई e -E के लिए वो रिकॉग्निशन साइट क्या है जी ए ए टी टी सी तो उल्टा क्या हो जाएगा जी ए ए टी टी सी हो गया तो इसका हो जाएगा सी ए ए सॉरी सी टी टी ए जी ठीक है तो आपका आंसर देखो इसमें और कोई बनता भी नहीं है है भी नहीं ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जी ए टी टी सी एंड सी टी टी ए जी नेक्स्ट फर्स्ट डिस्कवर डिस्ट्रिक्शन एंडो दैट ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इजिंग द स्पेसिफिक सिक्वेंस ऑफ द सिक्स बेस्पियर पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर किया गया था बेटा उसका नाम क्या था इट वॉज हिंद टू क्या नाम था उसका हिंद टू मीन्स ऑप्शन नंबर डी क्लियर नेक्स्ट इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक्स आर यूज बेटा आर डी एन ए टेक्नोलॉजी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम एंटीबायोटिक का यूज क्यों कर रहे हो जब आपने पी बी आर थ्री ट्वेंटी टू ली थी वहां हमने दो साइट्स की बात की थी एम्पीसिल रेजिस्टेंस साइट जीन कुछ भी कह लो एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन वो हम किस लिए यूज कर रहे हैं क्योंकि जब हमारा इंसर्ट हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इन दोनों में से किसी पे भी जाएगा तो वो साइट काम करनी बंद कर देगी और हमें पता लग जाएगा मींस वी आर टेकिंग दिस जीन दिस जीन्स विच आर फॉर एंटीबायोटिक एज सेलेक्टेबल मार्कर्स ठीक है तो ताकि हमें पता चले कौन सा सेल ट्रांसफॉर्म हो गया है कौन सा सेल ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ मीन्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ट्रांसफॉर्म्ड एंड द नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल क्लियर सो इन रिकॉम्बिनेंट डी एन ए टेक्नोलॉजी एंटीबायोटिक्स आर यूज एज सिलेक्टेबल मार्कर्स दैट इज ऑप्शन टी ठीक नेक्स्ट अब बेटा यहाँ पे कुछ टेक्निक्स दी हैं इंस्ट्रूमेंट दिए हैं हमको उनका यूसेज बताना है उनको मैच देंगे ठीक है सो पहला क्या है फर्स्ट वन इज बायो रिएक्टर बायो रिएक्टर क्या होता है बेटा, बेटा? जिससे आपको large quantity of ka, आपका product, अगर चाहिए, चाहिए. ए ए का का होना टू है इस में है इसमें और इसमें भी चलो आगे देखते हैं इलेक्ट्रोफोरसिस इलेक्ट्रोफोरसिस आप क्यों यूज करते थे? जेल इलेक्ट्रोफोरसिस फॉर द सेपरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट मीन वन बी का होगा बेटा वन अरे इसमें भी इसमें भी चलो आगे देखते हैं पीसीआर पीसीआर किस लिए करते थे फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए फ्रैगमेंट एम्प्लीफिकेशन फ्रेगमेंट ऑफ द न्यूक्लिक एसिड पीसीआर सी का हो जाएगा फोर तो आंसर तो बी हो गया फिर है बेटा एलाइज़ा एलाइजा जो है बेसिकली इट इज अ टेक्निक टू डिटेक्ट एनी डिजीज ठीक है डिटेक्शन ऑफ द पैथोजन बेस्ड ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन सो आपका एलाइजा का हो जाएगा डी का हो जाएगा थ्री तो करेक्ट हो गया आपका इसमें ऑप्शन बी क्लियर नेक्स्ट वन इन अ मिक्सचर डीएनए fragments आर सेपरेटेड by एक मिक्सचर आपको दिया है बहुत सारे डीएनए फ्रेगमेंट है कैसे सेपरेट करोगे बाय द प्रोसेस नॉन एज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा है दिस इज ऑप्शन सी नेक्स्ट स्पूलिंग बेटा स्पूलिंग क्या होता है स्पूलिंग होता है अगर आपको याद हो हमने चिल्ड इथानोल डाला तो डीएनए एक जगह इकट्ठा हो गया फिर हमने उसको सेपरेट आउट कर लिया सो दैट सेपरेशन ऑफ डीएनए इज नोन एज द स्पूलिंग कलेक्शन जो बेसिकली हमने की सो कलेक्शन ऑफ द आइसोलेटेड डीएनए आइसोलेटेड समझ आ गया क्योंकि हमने क्या किया था सेल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू कट करवा के हमने डीएनए को सेल में से बाहर निकाला उसको चिल्ड इथानोल डालकर प्रेसिपिटेट किया एक जगह इकट्ठा किया देन वी कलेक्टेड उस कलेक्शन प्रोसीजर को हम कहते हैं स्पूलिंग ठीक है यह आपका नीट ट्वेंटी, ट्वेंटी का क्वेश्चन है बेटा नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम से पढ़ेंगे है या? So, यार, है से. पहला क्या है? नहीं भाई एम्पलीफिकेशन नहीं सेपरेशन तो ये तो रोंग हो गई नेक्स्ट पॉलिमर इज इन ज्वाइन ज्वाइन द जीन ऑफ इंटरस्ट एंड द वेक्टर डीएनए ये कह रहा है बेटा पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो ज्वाइनिंग का काम करते हैं भाई ज्वाइनिंग का काम थोड़ी करता है ये क्या करता था ये तो एक्सटेंशन का काम करता है पीसीआर के अंदर चेन को लंबा करता है तो ये तो गलत हो गया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन आर परफोर्म बाय इंक्यूबेटिंग प्योरिफाइड डीएनए मॉलिक्यूल विद द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एट ऑप्टिमम कंडीशन बिल्कुल ठीक है अगर हमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम से काम करवाना है जिस भी डीएनए फ्रैगमेंट पे काम करवाना है उन दोनों को एक साथ रखना पड़ेगा एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जहां पर वो बढ़िया तरीके से काम कर सके ठीक है तो ये स्टेटमेंट ठीक है लास्ट देखो बेटा पीसीआर इज यूज फॉर द आइसोलेशन एंड सेपरेशन ऑफ जीन्स ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल रोंग पीसीआर किस लिए यूज करते हैं फॉर द एम्प्लीफिकेशन ऑफ द जीन तो रोंग हो गए सो करेक्ट आंसर आपका इसमें बनता है बेटा ऑप्शन नंबर सी ठीक है नेक्स्ट वन

Which of the following equipment is essentially required for growing microbes on a large scale for industrial production of the enzyme? बहुत large scale पे अगर आपको किसी चीज़ चाहिए तो आपको उसके लिए क्या चाहिए होगा बायोरिएक्टर? क्या चाहिए? बायोरिएक्टर? That is option A. Next. फंक्शन एनजाइम दिया उनके फंक्शन बताना है बेटा इट कट द डीएनए स्पेसिफिक साइट सो ए का होना चाहिए आपका थ्री फिर है बेटा एक्सो न्यूक्लियस एक्सो मतलब एंड मतलब एक्जिट जो एक चेन को बिल्कुल एंड पर कट करता है सो It removes the nucleotide from the end of the DNA. Ligase का काम क्या होता है? To join the fragments. So DNA ligase जो है, it join the DNA fragments. Taq polymerase. Taq polymerase क्या करता है, बेटा? Polymerase. Taq polymerase जैसे DNA polymerase का specific name नाम है. That is Taq polymerase. ये क्या करता है? It extends the primer on genomic DNA template. So आपका क्या हुआ? A का हो जाएगा three. का है बेटा थ्री पी का है फोर तो आपका आंसर इसमें है ऑप्शन नंबर बी क्लियर है चलिए सो नेक्स्ट इज द टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ऑन वेक्टर पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू आर अभी मैंने आपको बताया था दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो कि आपका वेक्टर पीबीआर थ्री ट्वेंटी टू जो प्लाज्मा है उसमें कौन से थे एम्पी एंड टेट्रासाइक्लिन देख लो ऑप्शन ए नेक्स्ट इवन बिलो आर दर्टेनिंग टू द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट यूजिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस आइडेंटिफाई द इन करेक्ट स्टेटमेंट बेटा जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के रिगार्डिंग चार स्टेटमेंट दी है और आपको इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है ठीक है सो फर्स्ट वन इज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज ठीक है जी सो इट इज लोडेड ऑन द जेल टूवर्ड द एनोड देखो बेटा एनोड टर्मिनल तो ऑलरेडी क्या है ठीक है पॉजिटिव है वहां पे थोड़ी करेंगे उसको नेगेटिव में ही करेंगे ताकि वो आगे भागे ठीक फिर डीएनए फ्रेगमेंट ट्रेवल अलोंग द सरफेस ऑफ द जेल हुज कंसंट्रेशन डज नॉट अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ डीएनए उसकी फिर देखो जेल अगर बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा तो डीएनए फ्रेगमेंट कैसे ही मूव करेंगे तो एक पर्टिकुलर जो है कंसंट्रेशन होनी चाहिए तो ये गलत है स्मॉलर साइज ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट लार्जर इज द डिस्टेंस इट ट्रेवल थ्रू इट ये ठीक है ये स्टेटमेंट ठीक है हमें इनकरेक्ट ढूंढनी है फिर है प्योर डीएनए कैन बी विजुअलाइज डायरेक्टली बाई एक्सपोजिंग टू यूवी रेडिएशन बेटा प्योर डीएनए को आप डायरेक्ट तो नहीं देख पा सकते हो उसको आप पहले थीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करवाएंगे सो हमारी इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये डी वाली भी हो गई ठीक है और ये ए वाले भी हो गई सो ए बी डी देखो जरा कहा है ए बी डी दैट इज ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर ठीक है बेटा उसको एनोड की तरफ नहीं डालते हैं उसको हम कैथोड की तरफ डालते हैं ताकि वो ट्रेवल कर सके ठीक है ये क्लियर है आपको ये वाला क्वेश्चन चलो नेक्स्ट एन एंजाइम कैटेलाइजिंग द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द एंड ऑफ डीएनए कौन सा एंजाइम जो है एंड ऑफ डीएनए से न्यूक्लियोटाइड को अलग करता है एक्सो न्यूक्लियस अभी हमने किया भी था एक्सो न्यूक्लियस अभी हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो आपके 2022 जो अभी वाला नीट था उसमें आए थे तो अच्छे से देखना सबको ठीक है सबसे पहले एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है सो so, एसर्शन हमें यहाँ पर क्या कहता है एसर्शन मींस यू मान लो एक क्वेश्चन है रीजन उसका आंसर है देखते हैं ठीक है कि नहीं है

ठीक है बेटा स्टेटमेंट दोनों ही ठीक है भाई लेकिन उस एसर्शन से इसका तो कोई नाता नहीं है दूर दूर तक ठीक है सो आप क्या बोलोगे ए एंड आर आर करेक्ट बट आर इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर नेक्स्ट फॉलोविंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द जेल इलेक्ट्रोफोरसिस टेक्निक जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस के लिए कौन सी टेक्निक स्टेटमेंट ठीक नहीं है फर्स्ट है बेटा ब्राइट और ऑरेंज कलर बैंड ऑफ डीएनए कैन बी ऑब्जर्व इन द जेल वेन एक्सपोज टू यू वी लाइट बिल्कुल ठीक है जी प्रोसेस ऑफ एक्सट्रेक्शन ऑफ एक्सट्रैक्ट सेपरेटेड डी एन ए स्टैंड फ्रॉम जेल इज नोन एज एल्यूशन बिल्कुल ठीक है अगर जेल से जब आप डीएनए को निकालते हैं दैट सेपरेशन प्रोसेस इज नोन एज द एल्यूशन परेटेड डीएनए फ्रेगमेंट एड्स आर स्टेन ये भी ठीक है भाई गलत कौन सी है जेल हम ये चीज यूज नहीं करते ब्लू कलर बैंड क्रोमोजेनिक सबस्टांस हम कहाँ यूज करते थे बीटा ग्लेक्टोसाइडेज वाला याद आ रहा है उसमें तो यहाँ पे तो ये अप्लाई नहीं होता तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगी आपके ऑप्शन नंबर टी नेक्स्ट बेटा यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट दी हैं स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू हमें बताना है कौन सी ठीक है कौन सी गलत है फर्स्ट है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट द डीएनए नॉन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है ये तो नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए स्ट्रैंड लिटल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पेलिंड्रोमिक साइड हाँ थोड़ा सा दूर जाके कट करता है क्यों करता है ताकि स्टिकी एंड बने और वो इजिली एक दूसरे से बाद में ज्वाइन कर सके सो बोथ वन एंड टू आर करेक्ट बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट ऑप्शन बी इज द करेक्ट एंसर ठीक है क्लियर है सबको चलिए नेक्स्ट डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वैक्टर हमें ऐसा कौन सा फीचर जो है हमारे उस के अंदर, जैसे PBR, लिया था, उसमें ऐसा कौन सा फैक्टर हमें नहीं चाहिए वो पूछा है आपसे प्रेजेंस ऑफ टू और मोर रिकोगट देखो हमने पहले भी किया था जो आपको बताया था हमें एक ऐसा वैक्टर ढूंढना है जिसपे जितना हो सके एक ही रिकोगशन साइट हो मीन जब देख, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आए उसको एक ही जगह काटे हमें भी आगे दिक्कत ना हो अगर वो एंजाइम उसके लिए दो तीन साइट वो पहचान पा रहा है वो दो तीन जगह से काटेगा हमें तो बहुत सारे फ्रेगमेंट मिल जाएंगे हमें तो समझ ही नहीं आएगा कौन सा यूज़ करना है समझ रहे हो हमारा जो प्रोसेस है वो बहुत ही कंबरसम हो जाएगा बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा सो ये नहीं होना चाहिए

मैम के नोट्स पढ़े हैं जो मैम ने आपको लिखवाए हैं तो आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली इन क्वेश्चन में ठीक है चलो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम इज अ टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस है ना भाई किया है हमने बिल्कुल है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द डीएनए बिल्कुल ठीक है ये कह रहे हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक एंडोन्यूक्लियस है हमें पता है क्यों है एंडो मतलब जो एक डीएनए फ्रेगमेंट फैगमेंट जो चेन है उसको बीच से कट करता है अगर एंड में कट करता है तो उसको हम एक्सो न्यूक्लियस बोलते हैं क्योंकि वो बीच में कट करता है तब उसे हम क्या बोलते हैं बेटा एंडो न्यूक्लियस तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और उस असर्शन ये सही कह रहे हैं और रीजन भी बिल्कुल ठीक है उसका सो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेन ऑफ एसर्शन मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट एंसर आई होप क्लियर है सबको ये बात नेक्स्ट अगेन रीजन क्वेश्चन इन आर डी एन एट इज रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म बैक्टीरिया ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग एम्पीसीन एज वेल एज द मीडियम कंटेनिंग टेट्रासा बेटा देखो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्म भाई जो तो होस्ट आपने लिया उसके अंदर वो गया ही नहीं तो वो तो हर जगह करेगा है ना समझ रहे हो आप इसको ठीक है रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड कंटेन द जीन ऑफ इंटरेस्ट रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड के पास जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है बिल्कुल ठीक है बेटा ठीक है तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो नॉन आपने जो प्लाज्मिड लिया उसमें भी आपने जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं डाला फिर उसको आपने उसमें होस्ट में डाल दिया तो अभी वो होस्ट को एम्पिसलिन और टेट्रासाइक्लिन दोनों से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा बिल्कुल करेगा ठीक है और ये कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो होता है उसके पास एक जीन ऑफ इंटरेस्ट होता होता है, ठीक है भाई होता है, ठीक भाई तो क्या दोनों में कोई रिलेशन बन रहा है दोनों स्टेटमेंट तो ठीक है बट क्या रिलेशन बना नहीं बना ना बस फिर सो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट बट इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए तो आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट

इन अ सेल द सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड इज ब्रोट अबाउट बाई द एनजाइम डीएनए हेलीकेज ठीक है सेपरेशन ऑफ डी एन ए स्ट्रैंड इज ड्यू टू देखो बेटा एक सेल के अंदर जो है सेल हमारी बॉडी का सेल हमारे जब सेल डिवाइड करते हैं तो दो जो डीएनए के फ्रेगमेंट हैं स्ट्रांड है strands उनको अलग करने का काम करता है डीएनए हेलिकेज बट पीसीआर में जो आप लैब में कर रहे हो वहां पर तो आपके पास ये हेलीकेज नहीं है तब वहां पर आप क्या देते हो उसको हाई टेम्परेचर देते हो क्या देते हो बेटा हाई टेम्परेचर सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ गुड वैक्टर यूज इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक आर डी एन ए के बनाने के लिए गुड वैक्टर जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए पहली इट शुड हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सपोर्टिंग हाई कॉपी नंबर बिल्कुल ठीक है इट शुड हैव प्रेफरेबली मोर देन टू रिकॉग्निशन साइट बेटा मोर देन टू रिकॉग्निशन साइट हमें तो एक ही चाहिए द रिस्ट्रिक्शन साइट इन वेक्टर शुड बी इन द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हां बिल्कुल ताकि उसको हम एज अ सेलेक्टेबल मार्कर यूज कर सके इट शुड हैव सुटेबल मार्कर जीन होना चाहिए इट शुड बी इजी टू आइसोलेट एंड प्यूरिफाई ये भी होना चाहिए सो so, हमसे पूछा था मोस्ट अप्रोप्रिएट सबसे अच्छे कौन से हैं तो आपका हो जाएगा बेटा बी को छोड़ दो बस और सब हो जाएंगे ए सी डी एंड ई तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्लियर नेक्स्ट अगेन एसर्शन एंड रीजन क्वेश्चन फिर से एसर्शन रीजन है बेटा एसर्शन है वन अ पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाइम कट्स स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एन एवर हैंगिंग स्ट्रैच ऑफ और स्टिकी एंड आर फॉर्म बिल्कुल ठीक है जब एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उसको कट करता है डीएनए एन फ्रेगमेंट को तो स्टिकी एंड बनते हैं हमें पता है जी बनते हैं ठीक है क्यों बनते हैं क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन एंडो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वो उसको सेंटर मतलब उसको बिल्कुल सेंटर पे ना जाके हल्का सेंटर से इधर काटता है ताकि अलग अलग थ्रेड निकल सके ठीक है सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्ट्रैंड ऑफ डी एन एट अ लिटल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पेलिंड्रोमिक साइड बिल्कुल ठीक है यही रीजन होगा इसका सो बोथ ए एंड आर आर टू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए एंड एर कर डी एन ए फ्रेगमेंट इज डन बाई टेक्निक नोन एज द जेल ये क्वेश्चन तो बहुत ही बार आता है देखो ट्वेंटी टू में भी आया हुआ ट्वेंटी वन में भी नाइनटीन में हर जगह ही आ जाता है ठीक है नेक्स्ट अब हमें यहां पे बेटा कुछ लिस्ट वन दी है फिर लिस्ट है दोनों की मैचिंग करनी है फर्स्ट वन इज द जीन गन जीन गन जो है आप किसके लिए यूज करते हो बेटा फॉर द ट्रांसफर ऑफ द जीन्स इज यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ जीन मतलब का होना चाहिए टू तो का टू बेटा इसमें है और इसमें भी है चलो जीन थेरेपी जीन थेरेपी क्या होता है कि कोई अगर फॉल्टी जीन है तो उसको ठीक कर दिया जाए विद द न्यू वन सो रिप्लेसमेंट ऑफ द फॉल्टी जीन बाय अ नॉर्मल हेल्दी जीन इज नोन एज द जीन थेरेपी तो बी का होगा वन आंसर तो आपका ए निकल गया क्योंकि यहां पे दिया हुआ थ्री देन जीन क्लोनिंग क्लोनिंग का मतलब होता है उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाना सो so, यहाँ पे कौन सा बेटा टू एपटेन आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ पर्टिकुलर डीएनए मोलिक्यूल न जिनोम जिनोम क्या होता है टोटल डीएनए टोटल डीएनए इन द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म थ्री सो आंसर है आपका ऑप्शन ए क्लियर नेक्स्ट

which of the following method is not commonly used for introducing the foreign not foreign dna into plant cell plant cell ke andar foreign dna you keh lo plasmid recombinant dna jo aapne banaya hai usko dalne ke bahut sare method hain aapse pucha hai kaun sa nahi hai so first is agrobacterium mediated transformation है तो करते हैं Gene gun कर सकते हैं डिसाम pathogen कर सकते हैं बैक्टीरियोफेजिज नहीं भाई बैक्टीरियोफेजिज हम नहीं करते हैं बैक्टीरियो मतलब वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को अटैक करती है भाई तो प्लांट सेल को क्यों करेंगी तो ये तो नहीं हो सकता सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हमसे कौन सा नहीं करते वो पूछा था नेक्स्ट

डीएनए माइग्रेट्स फ्रॉम द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड बिल्कुल ठीक है बेटा डीएनए खुद भी नेगेटिव है इसलिए वो पॉजिटिव की तरफ ही जाता है द डीएनए माइग्रेट फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोल टू नेगेटिव है तो उसका उल्टा बोल रहा है तो गलत है तो आपका ए बी और सी ठीक है ऑप्शन बी इज द करेक्ट एंसर नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेस प्रोटीन बिफोर मार्केटिंग इज नोन एज जो आपको अपना एक डिजायर्ड प्रोडक्ट मिला है जो प्रोटीन मिला है आपने जो बनाया है उसकी प्यूरिफिकेशन करना उसकी अच्छे से सेपरेशन करना इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है इट इज कोल्ड एज द डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग दैट इज ऑप्शन नंबर बी क्लियर है चलो जी नेक्स्ट वट इज द क्राइटेरिया फॉर द डीएनए फ्रेगमेंट मूवमेंट ऑन द एगेक्ट्रोफोर डीएनए फ्रैगमेंट जो है कैसे मूव करते हैं बेटा स्मॉलर पार्टिकल जितना होगा वो उतना ही दूर जाएगा द लार्जर द फ्रेगमेंट द फार्दर इट मूव नहीं द स्मोलर द फ्रेगमेंट फार्दर फादर मतलब दूर फादर इट मूव बिल्कुल ठीक है सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट एंसर नेक्स्ट अजीन हुए एक्सप्रेशन हेल्प टू आइडेंटिफाई द ट्रांसफॉर्म सेल एक जीन जिससे हमें पता चलता है कि हमारा सेल ट्रांसफॉर्म हो गया है मीन्स वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ट्रांसफॉर्म एंड द नॉन ट्रांसफॉर्म सेल ठीक है उसे हम क्या कहेंगे दैट इज कॉल्ड एज द सेलेक्टेबल मार्कर मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट एंसर नेक्स्ट है बेटा स्टर्ड टैंक बायो रिएक्टर्स हैव बिन डिजाइंड हमने जो बायो रिटेक्टर्स है उसको स्टर्ड टैंक क्यों कहा गया ताकि जो ऑक्सीजन है वो पूरे टैंक के अंदर जा सके और जो आपका जो भी आपका बैक्टीरिया है जो भी आपने लिया है वो अच्छे से ग्रो कर सके ज्यादा से ज्यादा डिवाइड कर सके और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आपको मिल सके सो फॉर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस स्टर्ड टैंक हम यू क्यों यूज करते हैं फॉर द एवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द डाउन स्ट्रींग प्रोसेसिंग डाउन स्ट्रिंग प्रोसेस अभी आपको समझ आ गया हमने बात की थी सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट उसमें हम क्या क्या करते हैं बेटा सेपरेशन करते हैं प्यूरिफिकेशन करते हैं इवन वी एट द प्रिजर्वेटिव टू इंक्रीज इट्स शेल्फ लाइफ उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए वी एट द प्रिजेटिव बट ऑफकोर्स ये क्या है एक्सप्रेशन ये तो बिल्कुल गलत है सो so, आंसर इज ऑप्शन डी ठीक है नेक्स्ट है बेटा द टैक पोलिमरेज एन जाइम इज ऑप्टेन फ्रॉम टैक पोलिमरिज काइंड ऑफ डीएनए पोलिवरिज विच यू यूज इन पी सी आर कहा से मिलता है आपको फ्रॉम बैक्टीरिया थर्मस एक्वाटिक खास बात क्या है इट कैन डू इट्स वर्क एट हायर टेम्परेचर यह हायर टेम्परेचर पे भी अपना काम कर सकता है सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ द प्लाज्मिट इनमें से कौन सा जो है प्लाज्मिट का फीचर नहीं है सर्कुलर होते हैं दे शुड बी ट्रांसफरेबल ठीक है इंडिपेंडेंटली रेप्लीकेट होने चाहिए बट क्या वो सिंगल स्टैंड होते हैं नहीं वो क्या होते हैं बेटा डबल स्टैंडर्ड प्लाज्मिट आर डबल स्टैंडर्ड सो ऑप्शन सी जो है इट इज नॉट द फीचर ऑफ प्लाजमिट ठीक है बेटा तो ये थे आपके सम questions रिलेटेड टू द बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड processes मेनली जितने भी आपके pyqs the थे पूरे इन पी वाई क्यू से आपका पूरा चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कवर हो गया है तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लेना और क्वेश्चन करने का फ़ायदा तभी है जब आपने चैप्टर भी अच्छे से किया हो तो so, चैप्टर भी कर लीजिए और क्वेश्चन भी कर लीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए विथ फुल डेडिकेशन एंड परसिवरेंस थैंक यू एंड बाय